नमस्कार जोहार आदाब, मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं मसाल न्यूज। इस समय मैं बैठा हूं सब्जी के बगान में या सब्जी का खेत में कहा जा सकता है, और ये दुमका जिला के मसलिया प्रखंड का रानी घाघर गांव है। और ये कहानी दो युवाओं की है जो लॉकडाउन का जो असर हुआ, लॉकडाउन के असर के बाद इनका रोजगार छिन गया, तो इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने तय किया कि हमें नया एक मिसाल कायम करना है, और इन्होंने सब्जी की खेती शुरू की और एक बीघा से ये खेती शुरू की, जिसमें करेली का सब्जी और कद्दू लगाए हैं। आगे जानेंगे कि इस खेती में उन्होंने क्या क्या किया, क्या लगाया, कैसे खर्च हुआ और क्या आमदनी है, और इससे उन युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी जो युवा घर में बैठे हुए रहते हैं या सोचते हैं कि वो क्या करेंगे। यदि आपके दिलों के अंदर चाहत हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अब आगे जानते हैं, पूछते हैं कि किस तरह से रहा उनका ये खेत। अभी ये कितना बार काट चुके हैं इसमें? ये पहली बार काट रहे हैं। तो एक कद्दू कितना किलो हो जा रहा है आप लोग का? 5 किलो कद्दू हो जा रहा है एक ना? हाँ। अच्छा, ये भदवारी खेती इसको कहते हैं ना? हाँ। भदवारी खेती। चलिए, ये कद्दू का खेत है और देखिए बहुत ही अच्छा आकार का कद्दू हुआ है आपका। ये युवाओं को प्रेरणा लेने का है कि आप लोग भी सब्जी का खेती कर सकते हैं और सब्जी में अच्छा खासा मुनाफा है। चंद्रशेखर पंडित, मैं मसलिया जिला के रानीहागर गांव के रहने वाला हूं, जो कि मेरा लॉकडाउन में अपना परिस्थिति खराब होने के कारण सब्जी का खेती करना पड़ा। मेरा नाश्ता दुकान अच्छा खासा चल रहा था, उसमें मेरा पूंजी डाउन पड़ गया और हम अपने पैसे से थोड़ा बहुत पूंजी लगा के हम अभी अब करेली और कद्दू की खेती कर रहे हैं। अब इसमें दिखा जाए फ़ायदा क्या होगा, सरकार का कोई फैसिलिटी तो मिलता नहीं है। अगर मांगने जाते हैं तो बीज वीज मिलता है दूसरों को, किसी के पास मांगने जाते हैं तो वो बोलते हैं पैसा लाओ ये लाओ, इसीलिए हम लोग अपने पैसे से अभी अपना कमाई शुरू कर चुके हैं। ये पहली बार हम लोगों का खेती अभी है, 1 बीघा में लगाए हुए। अब देखा जाए आगे और आगे बढ़ सकते हैं तो और लगाया जाएगा। ये करेली का जो फसल, ये पहला फसल काटे क्या? पहला अभी अभी तक कितना मतलब निकल? अभी नहीं निकला, 1-2 केजी निकाले। 1-2 केजी निकाले अभी? नहीं निकलेगा। 10-20 किलो पर डे? नहीं, बहुत बढ़िया।